हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनके दिल में आप हैं या कोई और। ओके व्यूअर्स, उनके दिल में कौन है, किसके लिए वो फील करते हैं, आपके लिए फील करते हैं इमोशंस, आपके लिए प्यार फील करते हैं या किसी और के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिल में कौन है, आप या कोई और। ओके, आप या कोई थर्ड पर्सन। तो ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। ये रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। फिर चाहे आप इस रीडिंग तक कितने भी महीने, हफ्तों या सालों बाद क्यों ना पहुंचे हों, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। ओके व्यूअर्स, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ, सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके व्यूअर्स, ध्यान रखें कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती। तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करता है, तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड है, स्कैम है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती और ना ही मैंने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड किया है। ओके, आइए चलिए देखते हैं कि उनके दिल में कौन है, आप या कोई और। ओके, ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुनिएगा व्यूअर्स, और पॉजिटिव हो जाइए। ओके, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको ये रीडिंग सुननी है। ओके, लेट्स सी, डिवाइन प्लीज गाइड अस। ओके, उनके दिल में कौन है। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड कार्ड। ओके, दिस कार्ड वॉन्ट्स टू कम आउट, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन की एनर्जी डबल है यहाँ पे, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड कार्ड, एंड व्हाट एल्स डू वी हैव, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आई होप ये सभी कार्ड्स आपको प्रॉपरली विजिबल हैं व्यूअर्स, ठीक है। तो उनके दिल में कौन है, आप या कोई और। देखिए व्यूअर्स, हो सकता है कि करेंटली इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि पास्ट में, लाइक रीसेंट पास्ट में, कुछ ही समय पहले इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और था। और ये मैं इमोशंस की बात नहीं कर रही हूँ कि इन्हें किसी और से प्यार था, बट ये दिखता है कि रीसेंट पास्ट में, लाइक एक महीना, दो महीना, जो भी आपके लिए रीसेंट वक्त रहा है, लाइक कुछ वक्त पहले ही, ऐसा नहीं कि 5 साल पहले, 3 साल पहले, ऐसा नहीं, कुछ वक्त पहले ही इनकी लाइफ में कोई एक थर्ड पर्सन था या थी। ओके, और आप भी थे और वो थर्ड पर्सन भी इनकी लाइफ में थी या थे। तो ऐसा लगता है कि करेंटली हो सकता है, पॉसिबल है, अभी हम क्लियर करेंगे आगे इस बात को और, लेकिन करेंटली ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा और कोई ना हो, लेकिन ऐसा लगता है रीसेंट पास्ट में ही कोई इनकी लाइफ में आपके अलावा था। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप इमोशनल इन्वेस्टमेंट करके, एनर्जी इन्वेस्टमेंट करके और टाइम इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा निराश हुए हैं। कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन से जो एक्सपेक्ट किया, जो आपने इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से जो उम्मीद रखी आपने, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, कहीं ना कहीं वो टूट गई। ओके, जितना आपने इमोशनली और अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को इस पर्सन में इन्वेस्ट किया, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया, उतना रिटर्न आपको मिला नहीं। बट ये दिखता है यहाँ पे
कि वो रिटर्न इसलिए नहीं मिला क्योंकि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो आपके अलावा भी किसी को डील कर रहे थे। हाँ, ये हो सकता है कि इनका उस पर्सन के साथ इमोशनल अटैचमेंट ना हो, लेकिन किसी और की प्रेजेंस तो इनकी लाइफ में थी, इनके रीसेंट पास्ट में थी। अब ये रीडिंग जो होती है, टैरो रीडिंग या कोई भी स्पिरिचुअल वर्क ले लें, बहुत टाइम रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। तो कुछ लोगों के लिए, फॉर सम पीपल, ये बात मैच कर सकती है कि करेंटली भी ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो। लाइफ में थर्ड पर्सन होने की बात कर रही हूँ, बार बार ये बोल रही हूँ, ये नहीं बोल रही कि उनसे ही प्यार है या किसी और से प्यार है, ये नहीं कहा मैंने अभी, ओके? ये पर्सन, देखिए और एक बात बता दूँ कि ये पर्सन हो सकता है आपसे दूरी पर रहते हों, कि ये किसी दूसरे शहर, दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री में रहते हों, या हो सकता है इनका घर या गांव कहीं और है, ये कहीं और पढ़ने गए हैं, कहीं और जॉब करते हैं या करती हैं, कहीं और रहते हैं, कहीं और घूमने गए हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन आपके साथ दूरी पर भी हो सकते हैं, और अगर आप लोग सेम सिटी में भी रहते हैं तो भी हो सकता है कि ये कहीं इनका आना जाना है, कहीं गए हुए हैं। बट कुछ मुझे ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है और ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, ओके? और मुझे ये सोशल मीडिया भी बहुत नज़र आता है, ऐसा लगता है जैसे सोशल मीडिया पर आप इनसे मिले हैं, या सोशल मीडिया पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन किया है, या सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों ने एक दूसरे को काफ़ी जाना है, ओके? ये पर्सन काफी, मुझे लगता है कि आप लोगों में एज गैप भी हो सकता है, मैं क्लियर करूंगी इस रीडिंग को पहले, ओके? आप लोगों में एज गैप भी हो सकता है, ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पे भी, ओके? व्यूअर्स, इनका आपसे इमोशनल अटैचमेंट है, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, इनका आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट है। जो बॉन्ड इनका आपके साथ है वो इमोशंस की वजह से है, वो फीलिंग्स की वजह से है, यानी कि अटैचमेंट जो है आपके साथ वो जेन्युइन है, वो रियल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे बात नहीं छिपाते, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने आपसे झूठ नहीं बोला है या मैनिपुलेट नहीं किया है, इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, बहुत कुछ है जो आपको पता नहीं है, ओके? गिव मी अ सेकेंड व्यूवर्स, इस डेक से क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा लगता है आपको किसी और ने जरूर बोला होगा, चैनल हो रहा है ये, किसी और ने, किसी और पर्सन ने आपको जरूर बताया होगा कि अरे आपके पर्सन ना आपसे झूठ बोल रहे हैं, या आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या किसी और के साथ भी डील कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन भी है, ये बात आपको किसी और ने बताई होगी, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है व्यूअर्स, या कोई और पर्सन हो सकता है। बट ऐसा लगता है किसी ने आपको अवेयर करने की कोशिश तो की है, अगर ये किसी ने रियल में आपको अवेयर करने की कोशिश नहीं की है आपको अप्रोच करके, तो हो सकता है कि आपके इंट्यूशन ने, आपके ड्रीम्स ने भी आपको अवेयर करने की कोशिश की होगी, ओके? यस, ओके व्यूअर्स, यहां पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ ही अपनी पूरी लाइफ देखते हैं, वो अपनी लाइफ को सक्सेसफुल, अपने प्यार को सक्सेसफुल, या अपनी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल आपके साथ ही समझते हैं। कहीं ना कहीं आपके बिना वो इनकम्प्लीट फील करते हैं, या ऐसा लगता है कि वो आपके साथ ही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं। इनका, मैंने कहा ना, इमोशनल अटैचमेंट आपकी तरफ ही है व्यूअर्स, ये आपके साथ ही फुलफिलमेंट देखते हैं अपना, आपके साथ ही अपनी सक्सेस या सेटिस्फैक्शन देखते हैं। यस, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट, ओके? सो दैट्स द रीजन, कॉम्प्रोमाइज। अब बात क्लियर हुई, मैंने कहा ना कि रीसेंट पास्ट में हो सकता है इनकी लाइफ में कोई था, इन्होंने आपको ना बताया हो, और बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसा हो सकता है करेंटली भी इनकी लाइफ में कोई हो और आपको ये नहीं बता रहे हैं,
छुपा रहे हैं या बोलने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि मुंह छुपा रहे हैं, शायद फेस नहीं कर सकते आपको, आपकी आंखों में आंखें डालकर सच नहीं बोल पाते हैं, तो हो सकता है मुंह छुपा रहे हैं। रीजन मुझे समझ में आ गया क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि इमोशनल अटैचमेंट तो आपकी तरफ है, ओके, फील तो आपके लिए करते हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन देखते हैं। तो यहाँ पर कार्ड आ गया है कॉम्प्रोमाइज का, यानी कि ये जो भी छिपा रहे हैं, जिस भी थर्ड पर्सन को अपने रीसेंट पास्ट में, यानी कि अब तक अगर डील कर रहे थे, जिस भी किसी थर्ड पर्सन को एंटरटेन कर रहे थे अब तक, वो मात्र एक कॉम्प्रोमाइज था, मात्र इनकी एक मजबूरी थी, और ये अपने कॉम्प्रोमाइज को या अपने जीवन के उस डार्क एस्पेक्ट को या उस नेगेटिव एस्पेक्ट को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहते आपके लिए, आपके सामने। होता है ना कि सपोज कोई पर्सन है, उसके साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हो रही हैं, उसके साथ लाइफ में कुछ गलत भी हो रहा है, तो वो नहीं चाहता कि उसके पार्टनर को वो पता लगे कि उसकी लाइफ में कितना कुछ गलत हो रहा है या कितना कुछ उसे फेस करना पड़ रहा है या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको ये शो नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको डर है कि आप उनको लेकर पता नहीं कैसी इमेज क्रिएट करोगे। अगर आप ऐसा सुन लोगे, समझ लोगे कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, ये किसी और को डील कर रहे हैं, किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं और आपको सच भी नहीं बता रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, जो भी है, तो आप इनकी कैसी इमेज क्रिएट करोगे? आप तो इनके बारे में कुछ और ही जजमेंट निकाल लोगे, आप तो इन्हें किसी और टाइप का इंसान समझोगे, गलत समझोगे, आप इन्हें जज करोगे, ओके, आप इनके इंटेंशंस को जज करोगे, इसीलिए इन्होंने अपने कॉम्प्रोमाइज की बात आपसे छिपाई है। तो मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि आपसे इमोशनल अटैचमेंट तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे झूठ नहीं बोल रहे, बात नहीं छिपा रहे, छुपा रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, कई बार मैनिपुलेट भी किया है आपको, वो इसीलिए किया है क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी लाइफ का नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो हाईलाइट हो, लेकिन और वो ऐसा इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि आप उनकी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करोगे अपने दिमाग में, उनके बारे में गलत सोचोगे, ओके, उनके बारे में ऐसा सोचोगे जिस टाइप के इंसान वो है ही नहीं, इसीलिए वो इस सच को छुपाते हैं और हाइड करके रखते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को, सिर्फ इसी वजह से। तो उन्होंने अगर किसी थर्ड पर्सन को रीसेंट पास्ट में डील किया है या कर भी रहे हैं साथ में जगल, तो वो सिर्फ इनकी लाइफ में हो सकता है एक कॉम्प्रोमाइज, लेकिन इनका इमोशनल अटैचमेंट किसी और की तरफ नहीं है, ओके, यस, कॉम्प्रोमाइज, जैसे किसी के साथ बस जबरदस्ती रहना पड़े, बात करनी पड़े, या फिर किसी प्रेशर या किसी कंट्रोल की वजह से किसी के साथ होना पड़े, बात करनी पड़े, रहना पड़े, कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ कार्ड ही कॉम्प्रोमाइज का आ गया है। ओ माय गॉड, सॉरो, ये खुद पेन में है। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड, ये खुद पेन में है, ये खुद दर्द में है, ये खुद बहुत दुख में है। व्यूअर्स, लिटरली ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली रोए भी हो सकते हैं, लास्ट नाइट रोए हैं, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं हो सकता है लास्ट नाइट ये रोए हैं, ये उसके एक आध दिन पहले रोए हैं, लेकिन ये रोए हैं, ओके, टीयर्स, ऐसा लगता है जैसे आंखों से आंसू टपक रहे हैं, दे हैव टीयर्स इन देयर आइज। तो वो रोए हैं अपनी इस सिचुएशन के लिए, रोए हैं अपनी इस मजबूरी के लिए, और ऐसा नहीं है कि फूट फूट के रोए हैं, दुख की वजह से, पेन की वजह से इनकी आंखों से आंसू झलक गए होंगे, बस इतना ज़रूर हुआ होगा, लेकिन दर्द जो है वो अनएक्सप्लेनेबल है, वो खुद भी बहुत दुखी हैं, खुद भी बहुत सैडनेस में नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लगता है। और एक रीज़न ये भी लग रहा है मुझे इनके दुख का कि ये आपसे दूर है। मुझे नहीं पता किस प्रकार का गैप आ गया है आप लोगों के बीच, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गैप आया है, किसी कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया है आप लोगों के बीच, या जो हम फिजिकल डिस्टेंस की, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, वो गैप है, लेकिन ऐसा लगता है किसी दूरी की वजह से, किसी गैप की वजह से आपके पर्सन बहुत आपसे बहुत दूर महसूस कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो आपसे बहुत दूर हैं एंड यू आर नॉट रीचेबल, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब वो आप तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, ओके, आप इतना दूर निकल चुके हैं या इतना दूर जा रहे हैं कि वो आप तक रीच नहीं कर पा रहे हैं और बार बार ऐसे कह रहे हैं यू आर नॉट रीचेबल, यू आर नॉट रीचेबल। हो सकता है शायद आपका कॉल ट्राई कर रहे हैं, आपको फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा आंसर मिला हो कि यू आर नॉट रीचेबल, ओके, या ये इनकी फीलिंग है कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है अंदर से कि आप इनसे दूर हो रहे हैं, एक गैप, एक डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है
और ये वर्ड जो चैनल हो रहा है नॉट रीचेबल, ये जो सेंटेंस चैनल हो रहा है दैट यू आर नॉट रीचेबल, ये आपके लिए अप्लाई करते हैं व्यूअर्स ये। तो ये बहुत इस बात से और दुखी हैं दैट यू आर नॉट रीचेबल, आप इनकी पहुंच से बाहर जा रहे हैं, आप इनकी रीच से बाहर हो रहे हैं। इस बात का इन्हें बहुत दुख है क्योंकि ये अपने जीवन की सक्सेस, अपने जीवन का सेटिस्फैक्शन, अपने लाइफ का कंप्लीशन आपके साथ देखते हैं। ओके, हो सकता है आपने जो एक्सपेक्ट किया था इस कनेक्शन में वो आपको नहीं मिला हो और आपको काफ़ी यू नो आपकी उम्मीदें टूटी हों, वो इसी वजह से हो सकता है कि इन्होंने थोड़ा वियर्ड बिहेव किया, इन्होंने इग्नोर किया या रूड बिहेव किया आपके साथ, तो वो उस बात के लिए भी बहुत दुखी हैं, दे रिग्रेट फॉर दैट। ओ माई गॉड, लुक एट द टेंशन दिस पर्सन हैज़। आप माइंड देख सकते हैं इस पर्सन का, यू कैन सी यहाँ पर माइंड लिखा है और आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से सिर्फ और सिर्फ टेंशन केओस यहाँ नज़र आ रहा है, सिर्फ केओस, मैस, ओके, मैस नज़र आ रहा है, केओस नज़र आ रहा है, सिर्फ सब यू नो बहुत टेंशन में, बहुत स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं। किसी का माइंड इस तरह से अगर पोर्ट्रे किया जाए कि माइंड की बात की जाए और ये तस्वीर दिखाई जाए तो क्या क्या मालूम होता है, इससे क्या पता लगता है कि ये पर्सन कितना स्ट्रेस में है, ये पर्सन कितना डीप थिंकिंग कर रहे हैं या कर रही हैं, इन्हें कितना दुख है, कितना टेंशन है, कितना स्ट्रेस है, मैं ये कहूँगी। इट्स लाइक ट्रॉमा फॉर देम, ये ट्रॉमा है इनके लिए कि आप भी इन्हें अगर जज करें तो इनके लिए बहुत टफ टाइम हो जाएगा। इनफैक्ट ये जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है ये बता रहा है कि इनका जो जेन्युइन कनेक्शन है, इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए हैं, इनका जो इमोशनल अटैचमेंट है वो आपके लिए है व्यूअर्स। ओके, ये जो फील करते हैं वो आपके लिए करते हैं। ओके, और आपके लिए काफ़ी सीरियस भी हैं क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड होता है जो वो बहुत लाइट रिलेशनशिप्स या कैजुअल रिलेशनशिप्स को नहीं दर्शाता, सीरियसनेस को भी दर्शाता है, जेन्युइन कनेक्शंस को भी दर्शाता है, तो वो आपके लिए फील करते हैं जेन्युइनली। ओके, हाँ, उन्हें गिल्ट है इस बात का व्यूवर्स कि उन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया, आप गिल्ट देख सकते हैं, नीचे मैसेज लिखा है, इन्हें इस बात का गिल्ट है कि इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया, इन्होंने आपसे बहुत कुछ झूठ बोला। ओके, इन्होंने आपसे कुछ अगर रॉन्ग बिहेव किया, रूड बिहेव किया, इग्नोर किया, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए ही अपने आप को दोषी मानते हैं और ये गिल्टी भी फील करते हैं कि इन्होंने, इनको दुख है, ये रो रहे हैं, ये टेंशन में हैं, पेन में हैं, इसी वजह से हैं कि ये गिल्टी फील कर रहे हैं। आपको सच नहीं बताया, आपको बता नहीं पाए सच, आपसे आंखें नहीं मिला पाए, यू नो आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था उसके उसका कुछ उल्टा ही करने लगे ये, तो ये काफ़ी चीज़ों के लिए अपने आप को दोषी मानते हैं, अपने आप को गिल्टी मानते हैं, ऐसा लगता है यहाँ पे। व्यूअर्स, आप या आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं और अर्थ साइन हो सकते हैं। ओके, ये इनमें से कुछ हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं वाटर साइन, अर्थ साइन या एयर साइन, या आप हो सकते हो। चलिए एक और कार्ड लेते हैं यहाँ पे व्यूअर्स, लेट्स टेक वन मोर कार्ड, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। द ओनली थिंग दैट इज रियल इज लव। ओ माई गॉड, आपके रीडिंग का जो इंटायरली जो क्वेश्चन था उसका आंसर सिर्फ एक ही कार्ड में सम अप कर दिया गया है। इफ़ यू नो द सम इफ़ यू वॉन्ट टू नो द समरी ऑफ दिस रीडिंग, दिस इज द समरी इन जस्ट वन कार्ड, द ओनली थिंग दैट इज रियल इज लव। अगर आपको ये था कि यहाँ पर क्या है, कोई और भी है इनके दिल में, आप ही हैं, ये किसी और से प्यार करते हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, किसी और से डील कर रहे हैं, तो क्या है उसकी सच्चाई क्या है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बात में आपको सब कुछ क्लियर किया जा रहा है, द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। इस पूरे केओस में, इस पूरे यू नो टेंशन में, अगर सिर्फ एक कोई अच्छी बात है या एक कोई रियल बात है, एक जेन्युइन बात जो है, जो रियलिटी कुछ है, वो ये है व्यूअर्स कि यहाँ पर सिर्फ प्यार जो है वो सच्चा है,
ओके, तो ये जो फील करते हैं आपके लिए वो ट्रू है, वो जेन्युइन है। तो यहाँ पर कितना भी इन्होंने ये झूठ बोला, बातें छिपाई और गिल्टी भी फील कर रहे हैं, माइंड में इतना स्ट्रेस है, इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोरो में है, लाइक पेन में है वो, दे आर फीलिंग ब्रोकन, इतने पेन में है। लेकिन इस सब में भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, ये जो इनका प्यार है आपके लिए, वो सच्चा है। द ओनली थिंग दैट इज रियल इज लव। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड। नीचे मैसेज लिखा है, शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम प्रॉब्लम बैक टू लव, यानी कि इस प्रॉब्लम पर व्यूअर्स आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है रैदर देन लव। आप शायद ये इस चीज़ पर फोकस कम कर पा रहे हैं कि प्यार कितना है इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन में प्योरिटी कितनी है। आपका ध्यान दूसरी तरफ ज़्यादा जा रहा है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और हर 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 बात का, हर एंगल से हम देख सकते हैं हर बात को। तो हो सकता है कि आप प्रॉब्लम वाली साइड को, प्रॉब्लमेटिक एरिया जो है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और जो पॉजिटिव साइड है, जो अच्छी चीज़ है, उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि प्यार यहाँ पर सच्चा है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। और आपसे कहा जा रहा है कि अपना फोकस जो है वो शिफ्ट कर दीजिए प्रॉब्लम से प्यार पर। ओके, बैक टू लव, दैट्स ब्यूटिफुल, आई लाइक इट। यस, शायद वो भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं कुछ आपको बता पाऊँ या ना बता पाऊँ, लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर आपसे कह सकता हूँ या कह सकती हूँ कि जो मैं आपके लिए फील करता हूँ या करती हूँ वो रियल है। ओके, तो अगर इस बात से आपको कुछ आंसर मिलता हो तो वो ये कहना ज़रूर चाहते हैं कि उन्होंने कुछ भी छिपाया हो, कुछ भी गिल्ट है उनके मन में, उनकी सिचुएशन कितनी भी अनफेवरेबल क्यों ना रही हो, कितने भी बात के लिए आप उन्हें ब्लेम क्यों ना करें, लेकिन अगर आप प्यार के लिए पूछेंगे तो ये यही बोलेंगे कि इस सब में अगर बहुत कुछ मैंने झूठ बोला, तो अगर मैंने आपसे आई लव यू बोला था तो वो सच बोला था। ओके, अगर मैंने आपसे बोला है कि आई लव यू, तो वो सच बोला है। तो इनकी फीलिंग्स जेन्युइन है। ओके, या चलिए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है यहाँ पर। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, वी डू वी नो, आई जस्ट नीड वन कार्ड। अगेन, फिर से दो कार्ड्स, चलिए कंसिडर करते हैं। व्यूअर्स, पहली चीज़ तो ये कि अगर आपकी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब थी, क्योंकि ये हेल्थ का जो कार्ड आया है ये इस रीडिंग से बाहर आया है, और मैंने दो बार शफल किया सिर्फ इस बात के लिए कि मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए, दो नहीं चाहिए, तो ये बार बार दो कार्ड ही आ रहे थे, तो फिर मुझे कंसिडर करना पड़ा, क्योंकि जब ऐसा होता है तो देर इज़ अ मीनिंग। ओके, देर इज़ अ मीनिंग फॉर इट। तो यहाँ पर ये स्पेशली शायद आप लोगों में से किसी के लिए आया है और आप लोगों के लिए सुनना इम्पॉर्टेंट था, तो आप में से जिसके लिए भी ये बात है आप सुन लीजिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अगर आपको किसी की हेल्थ की चिंता थी, अपने परिवार में किसी की हेल्थ की चिंता थी, अपने डियर एंड नियर वंस जो भी आपके प्रिय लोग हैं उनकी हेल्थ की अगर आपको चिंता थी, या आपकी खुद की हेल्थ की आपको अगर चिंता थी, फैमिली में किसी की, फ्रेंड्स में किसी की हेल्थ की चिंता थी, तो हेल्थ इम्प्रूव होने वाली है, हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। ओके, तो इम्प्रूविंग हेल्थ का मैसेज है यहाँ पर। अगर किसी की चिंता है आपको, किसी की सेहत की चिंता है, तो चिंता ना करें। किसी की अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है तो वो बहुत जल्दी हील हो जाएगी और उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, और अब आप ही आपके जो आपकी लव लाइफ है, जो आपका ये सिचुएशन था आपके प्यार का, उसके लिए मैसेज है बी असर्टिव, यानी कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रखना है अपना। और यही बात यहाँ पर भी कही गई है कि अपना फोकस शिफ्ट करना है प्रॉब्लम से लव की तरफ, और यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि पॉजिटिविटी को ज़्यादा देखना है और पॉजिटिव ज़्यादा होना है और पॉजिटिव होकर सोचना ज़्यादा है। ओके व्यूअर्स, यस, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के नाम में या आपके नाम में क्या अक्षर हो सकते हैं। के,
आपके नाम में या उनके नाम में के हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, ई हो सकता है, ई एन हो सकता है, यू हो सकता है, एक्स हो सकता है, एक्स यू एन ई डब्ल्यू के। ये कुछ अक्षर हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। अगर ये अक्षर आप लोगों के नाम में नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग आपसे स्टिल रेजोनेट कर सकती है। ओके यस व्यूअर्स, तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत कुछ गाइडेंस प्रोवाइड की है, थोड़ी बहुत हेल्प प्रोवाइड की है। अगर इस रीडिंग ने आपको 1% भी गाइड किया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ध्यान रखें इस बात का कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती, तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करता है तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड है, स्कैम है। ओके व्यूअर्स, और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम, आपने अपना कीमती वक्त दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।